देखिए आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ मंत्रिमंडल और पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने यह तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है, इसमें हमने कुछ पंद्रह सोलह पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिला में बैठक होगा, सभी विभागों का, सभी मंत्रीगण उसका समीक्षा करेंगे, क्या दोष गुण क्या सही खराब चल रहा है सभी चीजों की जानकारी ली जाएगी, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीजों को देखा जाएगा। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति जो प्रमोशन है उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विषय है, सभी विभागों को हम लोगों ने हमने कहा है कि अपने विभागों को बिल्कुल दुरुस्त करें, हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक, प्रखंड कार्यालय तक, जहां जहां लोग हैं सभी योजनाओं का आकलन भी करें, उन सब योजनाओं का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब का भी आकलन होगा और उन सब को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि दो महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें, जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें, पदाधिकारियों के कार्यकुशलता और कार्य दक्षता की भी आप समीक्षा करें, कौन किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है और उन सभी चीजों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। तो इससे ये कुल मिला जुलाकर एक आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।